वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जिक्के एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जिक्के में फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में बिहार उत्पाद पुलिस एवं फायरमैन के लिए अट्ठाईसवां प्रैक्टिस सेट देखेंगे देखिए पचास प्रश्न का ये आपका प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपका करंट अफेयर्स का भी प्रश्न शामिल है और क्वेश्चन का लेवल है जो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल का सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे आप लोग गेस करते चलेगा फ्रेंड्स और देखिए फ्रेंड्स सभी का पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे देता जा रहा हूँ फ्रेंड्स तो आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नहीं तो टेलीग्राम पर जा कर करके जिकके मास्टर आप लिखिएगा जिकके मास्टर तो मेरा आ जाएगा चैनल वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा उसमें सरस्वती जी का फ़ोटो लगा हुआ है ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन सी बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी विश्व की सबसे मूल्यमान दोपहिया कंपनी बन गई है ठीक है यानी दोपहिया वाहन निर्माण करने में सबसे मूल्यमान कंपनी अभी कौन बन गई है गेस करते चलेगा तो बजाज ऑटो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दूसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने किस नाम से डिजिटल पेमेंट ऐप की शुरुआत की है दूसरा का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाक पे उसका नाम है क्या है डाक पे तीसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि एन टी पी सी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना करेगी तो देखिए भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना किस राज्य में किया जा रहा है फ्रेंड्स तो तीन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में किया जा रहा है और कौन करेगा तो एन टी पी सी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड करेगा भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना गुजरात राज्य में तो तीन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौथा नंबर सवाल देखें के नाइन ब्रज सॉरी के नाइन ब्रज हुजर तोप का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है देखिए तोप का नाम है के नाइन ठीक है फ्रेंड्स थोड़ा सा के नाइन ब्रजि होवितजर तोप का निर्माण किस धंसा द्वारा किया गया है तो चार का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा के नाइन ब्रज हवितर का निर्माण किया गया है पाँचवा नंबर सवाल आपका है कि फरवरी दो हजार इक्कीस में भारत के इसरो द्वारा लॉन्च किए गए अमेजानिया प्रथम यानी अमेजानिया एक उपग्रह का संबंध किस देश से है ठीक है तो देखिए फरवरी 2021 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स अमेजानिया एक ये उपग्रह है तो इसका किस देश से संबंध है तो पाँच का ये ब्राजील से संबंधित है अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फ्रेंड्स देखिए ये दो देश के बीच में होता है तो भारत और कहाँ किसके बीच में होता है फ्रेंड्स तो देखिए छह का जो करेक्ट आंसर होगा ये भारत और अमेरिका के बीच में ये ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है छह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सातवा नंबर सवाल आपका है, हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास फर्म ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम किस नाम से विकसित किया गया है सात का करेक्ट आंसर इंद्रजाल के नाम से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पुनः एक बार सुने फ्रेंड्स क्वेश्चन कि हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास फर्म ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा भारत का पहला स्वदेशी भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम किस नाम से विकसित किया गया तो इंद्रजाल के नाम से विकसित किया है साथ का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आठवां नंबर सवाल आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है आठ का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गेस करते चलिएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है ठीक फ्रेंड्स जिसे भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो आपको राजा राममोहन राय को कहा जाता है फ्रेंड्स ठीक है जो समाज सुधारक थे उसी तरह से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है आठ का ए हो गया फ्रेंड्स नौ नंबर सवाल उन्नीस उन्� में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था Nine का ऑप्शन नंबर बी होगा पीसी था ठीक है पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नौमा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दस नंबर सवाल देखें भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है कौन सा क्षेत्र है जो बचत में सब सबसे ज्यादा योगदान करता है तो दस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी घरेलू क्षेत्र हो जाएगा ग्यारह नंबर सवाल निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व देखा जाए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पोलिटिक्स पोलिटिकल साइंस का क्वेश्चन तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है आप लोग गेस करें इसका आंसर आप लोग का सही होता है गलती होता है फिर सिगारा का संविधान होगा या लोकतंत्र होगा या राजनीतिक दल होता है या तो संप्रभुता होता है तो करेक्ट आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे इसका करेक्ट आंसर सी होगा कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो संप्रभुता है जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है बारह नंबर सवाल निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद परियत अपना पद धारण करता है बारह का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स भारत का जो है आपका महान्यवादी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेरह नंबर सवाल देखें किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है इसका जवाब सभी को सही होना चाहिए फ्रेंड्स पहले बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब क्वेश्चन तेरह का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स तो भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस देखिए भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस है भारतीय संविधान के निर्माण पर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है प्रभाव पड़ा है इसी से हुआ नहीं भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस और भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स तो किस किस अधिनियम के द्वारा तो तभी भारत सरकार अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस के द्वारा चौदह नंबर सवाल उन्नीस सौ पैंतीस के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी चौदह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ अवशेष शक्तियाँ दी गई थी पंद्रह नंबर सवाल देखिए भारतीय संविधान में राज्यों भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संघ सं, संकल्पना को प्राप्त किया गया है देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में यह कहा गया है पूछा जाता है कि भारत क्या है तो भारत एक है जो राज्यों का संघ है तो भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ की संकल्पना जो प्राप्त किया, किया गया है किस देश के संविधान से अधिगृत किया गया है कहाँ से लिया गया है तो पंद्रह का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ठीक है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से यह लिया गया है कि भारत है जो राज्यों का संघ है संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स तो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ये पूछिएगा पूछा जाता है फ्रेंड्स याद रखिएगा और संघात्मक व्यवस्था है जो कहाँ से कनाडा के संविधान से लिया गया है तो ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना संकल्प की है ठीक है यानी समवर्ती सूची कहां से लिया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है तो कहाँ के संविधान से लिया गया है तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा भी कहेगा फ्रेंड्स तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ये भी याद रहा लेकिन सिर्फ प्रस्तावना की अवधारणा रहेगा तो अमेरिका के संविधान से होगा इसमें समझिएगा प्रस्तावना की रहेगा फ्रेंड्स जो मॉडल है प्रस्तावना का ढांचा है वो तो अमेरिका से लिया गया है लेकिन प्रस्तावना की भाषा रहेगा फ्रेंड्स तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, से लिया गया है और वहीं से आपका समर्थित सूची भी लिया गया है अगला सवाल आपका है सत्रह नंबर निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है छः है फ्रेंड्स ठीक है पहले कितना था सात था लेकिन अभी कितना है छः है तो इसमें कौन है जो मौलिक अधिकार नहीं है तो सत्रह का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स गेस कीजिएगा सत्रह का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका नहीं आता है इसके अंतर्गत आता है ठीक है बाकी उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार कानून के समझ बराबरी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अठारह नंबर सवाल को देखिए निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है अठारह का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए अनुच्छेद चालीस के तहत ठीक है फ्रेंड्स अनुच्छेद चालीस के तहत पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया यानी अनुच्छेद चालीस है जो पंचायती राज पंचायत राज के गठन से संबंधित है उन्नीस नंबर सवाल को देखें संविधान के अनुच्छेद पच्चीस के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है उन्नीस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मान मानववाद संविधान के अनुच्छेद पच्चीस के अनुसार धर्म स्वा स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है तो मानववाद के अधीन नहीं है यानी उन्नीस का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बीस नंबर सवाल को देखें किस प्रधानमंत्री के कार्यकालय के दौरान भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था उस समय कौन थे प्रधानमंत्री बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे इक्कीस नंबर सवाल देखिए आलपस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है इसमें से तीन देश का हिस्सा है एक देश का नहीं है इक्कीस का करेक्ट आंसर डी होगा इंग्लैंड का हिस्सा नहीं बाकी ऑस्ट्रिया जर्मनी और फ्रांस का अल्पस पर्वत है जो आपका हिस्सा है अगला सवाल है दं, दंड दंड कारण क्षेत्र अवस्थित है तो बाईस का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है तेईस नंबर सवाल को देखिए भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है भारत में जो सुनामी वर्न वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है तो तेईस का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में स्थित है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा चौबीस नंबर सवाल को देखिए कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है तेल नदी चौबीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये तेल नदी है जो आपका उड़ीसा का महानदी है ना उसी का सहायक नदी है तो तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है तो महानदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स भारत का सबसे लंबी बांध महानदी पर हीराकुंड बांध है ये भी याद रखे ओडिशा में पड़ता है अगला सवाल पच्चीस नंबर सवाल आपका निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को दस डिग्री चैनल अलग करता है दस डिग्री चैनल चलिए फटाफट -फड़ गेस कर लें पच्चीस का करेक्ट आंसर होगा अंडमान तथा निकोबार को दस डिग्री चैनल अलग करता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा छब्बीस नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स छब्बीस नंबर सवाल है मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं चलिए मैथान मैथान बेल एवं तिलैया बांध है जो आपका बनाया गया है फ्रेंड्स बराकर नदी पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्ताईस नंबर सवाल थोड़ा धुंधला दिख रहा है गौर से सुनिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है कौन सा उद्योग है बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आपको कमाता है फ्रेंड्स तो सत्ताईस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लौह एवं इस्पात उद्योग हो जाएगा अगला सवाल है टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्माण किया गया है 28 का तो देखिए टिहरी बांध है जो फ्रेंड्स उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उनतीस नंबर सवाल को देखिए उनतीस नंबर सवाल आपका है कि विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर जिन्हें तिरुपति भी कहा जाता है का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किस में अवस्थित है तो देखिए वेंकटेश्वर का मंदिर ठीक है भैया तिरुपति का मंदिर है जो कौन सी पहाड़ी में स्थित है बहुत अच्छा सवाल फ्रेंड्स तो उनतीस का बी करेक्ट आंसर होगा शेष चालम में आपका ये स्थित है उनतीस का बी तीस नंबर सवाल है आपका मिलाने के लिए रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है व्हील एवं एक्सेल संयंत्र कहाँ है डीजल लोकोमेटिक वर्कर्स कहाँ है एंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है आपको मिलाना मिलान मिलान करने के लिए दिया गया है फ्रेंड्स तो का करें एक का रेल कोच फैक्ट्री है जो फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पड़ता है तो एक का तीन कपुरथल्ला में पड़ता है याद करते चलिएगा दूसरा है व्हील एक्स एवं एक्सल संयंत्र कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स तो ये पड़ता है आपका बेंगलुरु में पड़ता है तीसरा में आपका सीव हो गया डीजल लोकोमेटिव कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स तो ये आपका वाराणसी में पड़ता है डी लोकोमेटिव कहाँ पड़ता है वाराणसी में पड़ता है बच गया इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पड़ता है तो पैरम्बूर में पड़ता है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला है आपका फिर मिलान करने के लिए ये सूची एक से राजा है फ्रेंड्स इधर में राज्य है प्रधोत कहाँ के थे फ्रेंड्स उदयन कहाँ के थे प्रसेंजीत कहाँ के राजा थे आजाद शत्रु कहाँ के थे इकतीस नंबर सवाल इकतीस का तो देखिए एक का प्रदोत था जो फ्रेंड्स आपका कहाँ का था तो अवंती के राजा थे उदयन कहाँ के थे फ्रेंड्स तो आपका ये थे जो आपका वत्स्य के राजा थे प्रसेंजित कहाँ के थे फ्रेंड्स तो प्रसेंजित थे जो आपका कुशल के राजा थे अजात शत्रु कहाँ के राजा थे तो आपका मगध के राजा थे ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला सवाल को लिखते हैं देखते हैं बत्तीस नंबर सवाल आपका है कि अठारह के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया अठारह का विद्रोह हुआ था उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहाँ से किया था तो बत्तीस का करेक्ट आंसर हो सी होगा गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयनित किया था तैतीस नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन थी बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स तैतीस का तो तैंतीस का करेक्ट आंसर सी उसे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी चौंतीस नंबर सवाल है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी संयुक्त पूंजी कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम किन लोगों ने आरंभ की थी तो चौंतीस का भी होगा डच हो जाएगा डच लोग ने किया था पैंतीस नंबर सवाल है भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था पैंतीस का करेक्ट आंसर गेस कर रेफरेंस पैंतीस का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उसका नाम था रेड ड्रैगन भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था तो रेड ड्रैगन उसका नाम था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले यही रेड ड्रैगन आया था ठीक है फ्रेंड्स तो भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज़ रेड ड्रैगन था वाणीवास के युद्ध सत्रह सौ साठ ईस्वी में हुआ था सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स इसमें किस किसको किसने हराया था तो छत्तीस का सी करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था ब्रिटिश ने फ्रेंच को वाणीवास के युद्ध में सत्रह सौ साठ में हराया था सैंतीस नंबर सवाल आपका है बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के लिए बंदर सॉरी बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के लिए पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था तो कर रहा है बंगाल का वह कौन सा बंदरगाह था जो पुर्तगालियों के समय क्या नाम से जाना जाता था पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था सैंतीस का सी करेक्ट आंसर होगा चटगांव अड़तीस नंबर निशान किसे कहा जाता था निशान अड़तीस का निशान है जो फ्रेंड्स अंग्रेजी का बंगाल अंग्रेजी का बंगाल बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र को क्या कहा जाता था तो आपका निशान कहा जाता था अड़तीस का भी अच्छा सवाल है देखिए निशान किसको कहा जाता था तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजों का बंगाल बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र को निशान कहा जाता था उनचालीस नंबर कौन सा बंदरगाह काली, काली मिर्ची काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था काली मिर्च निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह है जो प्रसिद्ध था उनचालीस का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कालीकट ठीक है चालीस नंबर इंटरपोल कौन थे इंटर सॉरी इंटरपोलर कौन थे चालीस नंबर सवाल का इंटरपोलर कौन थे चालीस का करेक्ट आंसर सी होगा फ्रेंड्स एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी थे जो इंटरपोलर थे वो कौन थे तो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी अंग्रेज व्यापारी थे अगला फ्रेंड्स फ्यूज का सिद्धांत देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है ये बिहार पुलिस में भी बहुत पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत है जो फ्रेंड्स इकतालीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत का उसमीय प्रभाव पर आधारित है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकतालीस का बयालीस नंबर सवाल को देखिए बयालीस नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है बयालीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉलीएमाइड का प्रयोग है जो फ्रेंड्स बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है बयालीस का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा तैतालीस नंबर सवाल को देखें निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है गेस करें तो जिंक ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है चौवालिस नंबर सवाल को देखिए पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है चल सकती है कौन सा काल में तो चौवालिस काफ्रेंस शीतकाल में ठीक है शीत काल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है और ग्रीष्म काल में क्या थोड़ा स्लो हो जाती है तो चौवालीस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला सवाल है पैंतालीस नंबर कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है तो पैंतालीस का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन लेयर में बाधा पहुंचता है ठीक है पराध्वनिक जेट जो विमान उड़ते हैं फ्रेंड्स बहुत फास्ट तो उसे ओजोन लेयर में क्या बाधा पहुंचती है तो पैंतालीस का सी करेक्ट आंसर होगा छियालीस नंबर सवाल है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है छियालीस का तो देखिए रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा सुरक्षित रखने के लिए कितना फ्रेंड्स लगभग चार डिग्री सेल्सियस सुरक्षित माना गया है तो ऑप्शन नंबर ए छियालीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंतालीस नंबर सवाल को देखें झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है झूठ का पता क्या कहते हैं उसे फ्रेंड्स उस मशीन को क्या कहते हैं तो पोलिग्राफ कहा जाता है सैंतालीस का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा एक वस्तु का पृथ्वी पर दान सौ के जी है गुरुत्वीय जनित त्वरण कितना इतना है अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण कितना है फ्रेंड्स इतना है मीटर प्रति सेकेंड है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा अड़तालीस का अड़तालीस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स तो अड़तालीस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कितना 100 किग्रा हो जाएगा एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है इतना है गुरुत्वीय जनित त्वरण इतना है अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण कितना है आपका दस के पावर छः है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो चंद्रमा वस्तु का द्रव्यमान कितना होता तो है सौखीक होगा ऐसे देखिए फ्रेंड्स हम लोग जनरली इतना याद रखेगा कि ये आपका तो नॉमरिकल दिया है उसी हिसाब से बता बताया है लेकिन अगर जो कोई भी वस्तु है अगर यहाँ पर आपका कितना है फ्रेंड्स साठ के है तो चंद्रमा पर अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स तो पृथ्वी के जैसे पृथ्वी का कितना गुरुतृत्व है नाइन पॉइंट एट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना तो उसी हिसाब से अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ जो पृथ्वी पर साठ के का वस्तु है तो वहाँ पर कितना हो जाता है एक बटा छः हो जाता है यानी वहाँ पर दस के का हो जाएगा ठीक है याद रखेगा यानी यहाँ से कितना एक बटा छः कम जाता है ये आप लोग ज़रूर याद रखेगा अगला सवाल उनचास नंबर सवाल को देखते हैं वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है चलिए उन्चास का गेस कीजिए तो देखिए वायु शक्ति इसमें गतिज ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा जो, जो, जो किस में परिवर्तित होता है विद्युत ऊर्जा लास्ट सवाल चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है तो चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हृदय घात से है ठीक है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पचास सवाल थे फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक यू धन्यवाद